ऊपर से लेके पूरे नीचे तक मैं आपको दिखेगा ना, कुछ अंगूर का स्टाइल में दिखेगा, इतने ज्यादा ही दिखेगा। तो यहाँ पर है मेरे पास जैक फ्रूट का पकौड़ा, ये चीज देखने को मिला। और ये चीज क्या, उससे पहले मैं आपको इसका सीड दिखाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेर ब्लॉग में। सो एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड अनएक्सपेक्टेड आज का वेदर भी एकदम लाइक पूरा खराब हो चुका है। और फिलहाल देखिए अभी का वेदर, बारिश हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल आज थोड़ा सा सोशल सर्विस करना है मुझे अपने घर के आसपास, क्योंकि आपको पता होगा कल हमारे घर के वहाँ पर निकला था सांप, तो जिसके डर से थोड़ा सा अम्मी लोगों को, मतलब अम्मी अब्बा भी बोल रहे कि जो घर के आसपास में जंगल है उसको काट दो, रास्ते में आने जा रहे ना, वो डर लगता है। तो उसके लिए भी मैं पत्ती दाव लेने के लिए आया हूँ। और अम्मी इधर ही कहीं पत्ती दाव रखी हुई है, पता नहीं कहाँ, किस तरह अम्मी यहाँ पर है कि वो वाला खेती में, वो वाला खेती में ये दाव चाहिए था। इससे क्या होता है ना, जो भी घास वगैरह बड़े बड़े होते हैं ना, आराम से कट जाते हैं, जो हार्ड वाला तो वो नहीं कटते। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना थोड़ा सा खेती दिखाऊंगा, जहाँ पर लगे हुए हैं ये पाइन एप्पल, अनारस के पेड़, ये देखिए। तो ये अभी रेडी नहीं हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद तो भाई सब कितने मस्त मस्त निकलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इतने सारे लगे हुए हैं, यहाँ पर है अपना बनाना का पेड़, और यहाँ पर एक बनाना तो ऑलरेडी हो भी चुका है, ये देखिए। जहाजी कॉल, जहाजी कॉल बोलते हैं हम लोग, एक होता है चीनी कॉल ना जो छोटा सा होता है, और ये है जहाजी कॉल जो कि शायद पता नहीं एक 15-20 दिन में शायद पक जाएगा, आई थिंक, मुझे भी नहीं पता, बट एक ही हुआ है। और यहाँ पर ये अभी तैयार हो रहा है एक छोटे मियाँ। तो चलो अपना पत्ती दाव लेते हैं और उसके बाद जो जंगल वगैरह है वो साफ करते हैं। यहाँ पर भी लगे हुए कुछ अनारस के पेड़ जो कि अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, जो पहले वाला दिखाया था उससे बड़ा। और यहाँ पर एक है सीताफल बोलते हैं ना, तो उसका पेड़ है सीताफल, जिसको इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आटा फल बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगा, यहाँ पर भी वैसे काफ़ी हो रखा है, तो ये थोड़ा सा दूर है ना, काला ही काला दिख रहा है आपको ना वहाँ पर। और एक पेड़ है वहाँ पर ना, और भी ज़्यादा ज़्यादा दिखेंगे सामने सामने, लेट मी शो यू। ऊपर से लेके पूरे नीचे तक मैं आपको दिखेगा ना, कुछ अंगूर का स्टाइल में दिखेगा, इतने ज़्यादा ही दिखिए। इसको सीताफल बोलते हैं, उसके बाद शरीफा भी बोलते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये आपका ना दो तरीका के होता है, ये तो आपको पूरा सिंपल डिज़ाइन में दिख रहे हैं ना, पूरे मोरम जैसा, मतलब क्यूट जैसा। और एक होता है जो आपका पाइन एप्पल के जैसा शेप में होता है, कुछ उसे काटा काटा जैसा, तो इसको सीताफल भी बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, और शरीफा भी बोलते हैं, एंड मैं इसे बोलता हूँ, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आटा का फल, आटा फल कुछ ऐसे दिख लीजिए। और आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग लैंग्वेज में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए एकदम मस्त हो रखा है ना, ये जो अपना खेत है ये ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लगे, बस वहाँ पर वो टमाटर जो कि दो तीन पौधे लगे हुए ना, एक दो तीन चार, हाँ चार टमाटर, और यहाँ पर कुछ लगा करके जो कि कब होगा पता नहीं। और यहाँ पर कुछ मूल्य बाकी है, मूल्य जिसको खाओ और उसके बाद बूम 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 करके पूरे मार्केट को खुशबू बना दो। तो बस यही कुछ बाकी है, ये भी शायद कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कल यहाँ से सांप एक गिरा था नीचे और उसके बाद यहाँ पर आया था, और काफ़ी समय यहाँ पर आया, उसको हमने कितना मुश्किल से यहाँ से भगाया हमें पता है, और वो चला गया था वहाँ पर जो जंगल देख रहे हो ना रास्ते के पास। तो यहाँ पर जंगल होने की वजह से अब्बा बोले कि ये काट दो जंगल को, ताकि मतलब आने जाने के लिए कोई टेंशन ना रहे, डर ना लगे। तो अभी जितने भी ये जंगल दिख रहे हो ना, इसको मैं काटूँ, जंगल नहीं कुछ फ्लावर टाइप में, ये देखिए कौन सा फ्लावर है मुझे भी नहीं पता, बस ये वाला चीज़ को मैं काट के थोड़ा साफ कर दूंगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत आगे जितना हो सके अपने हिसाब से कर देता हूँ। करता हूँ साफ करते करते मुझे ये चीज़ देखने को मिला, और ये चीज़ क्या, उससे पहले मैं आपको इसका सीड दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना कुछ ऐसे रहते हैं, और ये पकने के बाद आपको येलो कलर का कुछ दिखेगा जो कि यहाँ पर देखिए, तो कुछ येलो कलर का है। और ये चीज़ क्या होता है, इससे मैं एक चीज़ मुझे अम्मी बताई कि जैसे काली पूजा होता है ना, काली पूजा के तीन दिन बाद एक गोधन पूजा था समथिंग कुछ, तो उसमें क्या होता है बहन लोग इसके पत्ते तोड़ के लेके जाते हैं, और उसके बाद भाई के साथ कुछ पूजा वगैरह ऐसे करते हैं कुछ, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर कर कीजिएगा और बताइएगा। एंड सेकेंड चीज़, इसका जो ये आप देख रहे हो ना ये चीज़, तो किसी का दांत में अगर कीड़ा वगैरह होता है ना, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ टेक्निक इस्तेमाल करें, टेक्निक नहीं मतलब देसी स्टाइल बोलते हैं ना, हाँ, तो वो सब इस्तेमाल करके उसके बाद दांतों में जितने भी कीड़े होंगे ना लिटरली तुरंत निकाल देते हैं।
अपने हिम्मत से जितना हो सके मैंने यहाँ पर जंगल के रास्ते के साइड साइड में मैंने काट दिया, पूरा तो नहीं काट पाया क्योंकि पूरा काटे रहेगा तो वाट लग जाएगा, अपनी भी हालत बिगड़ी हुई है तो मैंने साइड साइड कर दिया। अभी मतलब लाइक इतना डर नहीं लगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ साफ़ किया और वहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, बस जो जंगल थे ख़त्म। इग्नोर करती है। तो सोशल वर्क वगैरह हो चुका है एंड अब बारी अपने शरीर का सोशल वर्क करने के लिए। वैसे मैंने सोशल वर्क तो करवा लिया अपना हेयर का, तो अब बारी है थोड़ा सा उस पर पानी डालने का ताकि ये फिर से उग जाए ना। तो अब नहा के आपसे मुलाकात करते हैं। सभी नहात वक्त एकदम मस्त रेडी हो चुका हूँ और यहाँ का वेदर क्या ही बोलूँ, कल इतना मस्त मौसम था करेक्टिव धूप, बट आज ना एकदम बारिश होने लगी है और यहाँ का वेदर लाइक क्रिकेट की तरह कब रंग बदलेगा किसी को भी नहीं पता। कभी कभी तो गूगल बाबा भी फेल हो जाते कि हाँ एक्चुअली में यहाँ का रिपोर्ट क्या बताओ। अभी यहाँ पर ना बहुत जोरों से बारिश हो रहा था, बट अभी बारिश थोड़ी सी छूट गई, बूंद बूंद हो रहे। तो अभी यहाँ का रास्ता देखिए कुछ ऐसा साफ सूख है और ये सब मैंने हटाया नहीं क्योंकि ये ना कुछ दिन बाद अपने आप सूख जाएंगे, मतलब सड़ जाएंगे ना। हाँ, तो रास्ता भी साफ हो जाएगा, अब डर नहीं लगेगा। नहीं से कल वाला जो साफ था ना, यही कहीं तो होगा, मतलब यही कहीं कल रात को था, उसके बाद वो यहाँ से चढ़ा होगा 100% उसके बाद अपने घर पर चला गया होगा बम्बू के अंदर। अभी मुझे जाना था एक जगह अपने काम से अपने दोस्त के वहाँ पर, बट ना सडनली यहाँ का वेदर को क्या ही कहें, मतलब उस समय तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, मैं सोचा कि हाँ चलो चला जाऊँगा, बट अचानक से ना फिर तबाही वाली बारिश शुरू हो चुकी है। और ये बारिश ना ऐसे एकदम हल्की हल्की वाली, एकदम ज़ोर से होने से छूट भी जाते ना, बट इतना हल्की है ना कि उम्मीद ही नहीं लगता कि रात में भी शायद छूटेगा। खैर देखा जाएगा कि रात तक क्या होता है, अगर ऐसे रहा तो फिर रात को मुश्किल भी होगा मस्जिद जाने के लिए भी, बट दुआ करते हैं कि मस्जिद जाने से पहले तब तक मतलब बारिश छूट जाए। और इफ्तारी में यहाँ पर बन रहा है चना दाल का सलाद, सलाद बोलता है कि क्या बोलता है इसको, सलाद ही बोलेगा ना सकीना, तो चना तो ये चना दाल का सलाद। और यहाँ पर सकीना अपना व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं और यहाँ पर वो बना रही है कल जो मैं लेके आया था जैक फ्रूट ना, उसका सब्जी नहीं उसका पकौड़ा बना रहे है ना, उसका पकौड़ा। और सब्जी नहीं बनेगा इसका, कब सब्जी बन रहा है, आज ही बन रहा है। वाह, तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है अपना वेज मटन, मटन वेज गोश वेज मीट जो समझ लो, वो पकौड़ा बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बना हुआ है ढेकिया का पकौड़ा, और जो ढेकिया होता है ना वो आपको जंगल में मिलता है ना, और मैं आपको फोटो लगा दूंगा ढेकिया क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो उसका यहाँ पर पकौड़ा भी बन रहा है। चले यहाँ पर तो ढेकिया भी आपको दिखाने को मिल गया, तो इसका ना फ्राई जो भुजिया बोलते हैं ना वो भी बहुत टेस्टी होता है, इसी का पकौड़ा बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का इफ्तार निकल के आ चुका है और बस 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद हम लोग करेंगे इफ्तार। और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका कटहल का जो कि जैक फ्रूट, और उसके बाद ढेकिया साग का पकौड़ा, सेव, उसके बाद ये तो आपको बता दिया चना दाल का सलाद या कुछ, और ये रहा घुघनी अपना। तो यहाँ पर है मेरे पास जैक फ्रूट का पकौड़ा, कटहल के पकौड़े, इसमें हल्का सा नमक हो, हल्का सा, और ये रहा आपका ढेकिया साग का पकौड़ा, ढेकिया साग का पकौड़ा। ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है, हरा है ना, हरा चीज अच्छा लगता है ना। एक समय हुआ करता था पहले कि लाइक रोजा रखने के बाद ना भाई खाना है खाना खाना एकदम ठोस के खाता था एकदम पेट भर के, बट अभी ना इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वेदर भी इतना मस्त रहता है और उसके बाद दिन भर भी इतना कुछ थका नहीं लगता है, तो लाइक कुछ पता ही नहीं चलता। और जब मैं सारी करी रहता भी फिर बहन ला के मुझे पराठा भी दे दे, तो मज़ा आ गया पराठे और उसके बाद चने के साथ खा के ना मज़ा आ गया। बुलबुल हेलो, पैसा लो, पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? और एक चीज़ बता दूँ आप सभी को, दुनिया में एक जानवर ही होते हैं जो पैसे से कोई मतलब नहीं रखते, बस प्यार चाहिए प्यार। अभी मस्जिद से आया हूँ घर पर और टोपी लगाने के बाद अपना हेयर ऐसा हो जाए जैसे कि गाय ने एकदम मुझे प्यार से बुला के अपने पास, उसके बाद पूरा दे धनाधन दे दिया, वैसे लगे ना पूरा चिपका हुआ। तो देखते हैं अभी खाना वाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि उधर इफ्तार जो किया था उसी में मेरा ऑलमोस्ट पूरा पेट भर चुका है, पर ट्राई करेंगे अदरवाइज गर्म पानी पीकर उसके बाद गुड नाइट मोड हो जाएंगे। खैर अभी देखते हैं कि क्या करेंगे, थोड़ा देर बैठ लेते हैं डिसाइड कर लेते हैं। बस पानी एक गिलास काफ़ी आज का डिनर के लिए। और यहाँ पर सकीना मंकी बन के सबीना का माथा का जू निकाल रहे हो जी ना सबीना, तुम ऐसे निकाल रहे कोई कमल में घुसा के सुता के बस माथा निकला के दिखा रहे। सबीना का तो पूरा मजा ही मजा है, सकीना मंकी बन गया आज को। और ये चीज देखने का मुझे एक दिन का याद आ रहा, मैं गया था फेसिंग करने के लिए, हम लोगों ने मजा से निकाला था,
निकालेंगे ना। कौन वो बंदर थे? हाँ उसी का हम बात करता है। वहाँ पर एक मंकी था जो नदी में, नदी के उस पार गया था फिशिंग करने के लिए। तो वहाँ पर एक मंकी था जो कितना मजे से लीक निकाल रहा था। हम लोग लीक बोलते हैं, जिसको जू भी बोलते हैं, कोई कोई ढील बोलते हैं। तो इतना मजा से निकाल रहा था, हाय मजा आ रहा था। तो इन लोग का भी मन है वहाँ पर जाने का, कभी चलेंगे ठीक है। और उसके बाद मंकी का इन लोग का हेयर माथा चेकअप करवा देंगे। आज के व्लॉग में बस इतना, कल मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।